आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जनरेटिंग लाइंस, जनक रेखाएं। ठीक है, उससे पहले एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। रूल्ड सरफेस, रूल्ड रेखज, पृष्ठ जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है कि अगर कोई सरफेस एक मूविंग स्ट्रेट लाइन है और पूरा का पूरा सरफेस अगर अपने पास जनरेट कर सकती है तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, रूल्ड सरफेस बोलेंगे। जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में क्या होता है, चारों तरफ एक आपने लाइन ली, ठीक है, उस लाइन को चारों तरफ ऐसे घुमा रहे हो एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगा, अपने पास एक सिलेंडर जनरेट होता है। भाई ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे ऐसे एक सर्कल के अलोंग घुमा देते हो तो ये लाइन यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ऐसे, और फिर अंदर की साइड घूम के ऐसे पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक तरह से एक अपने पास सिलेंडर वहां पर जनरेट हो जाता है। नहीं, कोनिकोइड के और क्वेश्चन नहीं करने, उतना जो है 6-7 क्वेश्चन वो और एग्जाम्पल्स वगैरह जो था वो वहां से आपका हो जाएगा, उससे आगे का फिर अलग पोर्शन आ जाता है, उसमें आपको कोई ज्यादा करना चाहो तो उस एक्सरसाइज के फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई नीड है नहीं इतनी। ठीक है, तो वहां पर इस तरह का अगर कोई सरफेस है जो एक मूविंग स्ट्रेट लाइन से जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रूल्ड सरफेस। ए सरफेस विच इज जनरेटेड बाय ए मूविंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रूल्ड सरफेस। ठीक है, फिर या फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इसका इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक लाइन के द्वारा मैं उसको स्वेप्ट यानी कि मिटा सकूँ एक तरह से। ठीक है, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने एक लाइन ली और वो चारों तरफ मिटाता हुआ चला गया, एक तरह से वो पूरी की पूरी लाइन सारे पॉइंट्स को मिटा देगी, बात तो वही हुई। ठीक है, ये डेफिनेशन भी हम इसमें लिख सकते हैं, ए रूल्ड सरफेस कैन बी डिस्क्राइब्ड ए रूल्ड सरफेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए सेट ऑफ पॉइंट्स स्वेप्ट बाय ए मूविंग स्ट्रेट लाइन, स्वेप्ट बाय ए मूविंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एक ये मान लो ये प्लेन ही है अपने पास, ठीक है, इस प्लेन पर ही इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपने एक लाइन ऐसे मूव की तो ये अपने पास क्या हो गया, सारे के सारे साफ हो जाएंगे, यानी ये भी अपने पास एक तरह से क्या हो गया, रूल्ड सरफेस ही हो गया। ठीक है, रेखज पृष्ठ, तो रेखज पृष्ठ क्या होता है, जो एक चर वह पृष्ठ जो चर सरल रेखाओं से क्या होता है, जनित होता है, जनरेट होता है, उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, रेखज पृष्ठ या फिर रूल्ड सरफेस कहते हैं। और यह जो चर सरल रेखाएं होती हैं वो उस रेखज पृष्ठ की क्या कहलाती है, जनक रेखाएं कहलाती हैं। ये जो लाइंस जिसकी हम बात कर रहे थे जो जनरेट कर रही हैं सरफेस को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग लाइंस कहते हैं। या अलग डेफिनेशन डाल के लिख सकते हो, जनरेटिंग लाइंस, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो जनरेटिंग लाइंस, ठीक है, जनक रेखाएं। द मूविंग स्ट्रेट लाइंस, द मूविंग स्ट्रेट लाइंस विच जनरेट द रूल्ड सरफेस, विच जनरेट द रूल्ड सरफेस आर नोन एज जनरेटिंग लाइन्स, आर नोन एज जनरेटिंग लाइन्स। ठीक है, वो रेखाएं जो एक रेखज पृष्ठ को जनित करती हैं वो उस रेखज पृष्ठ की क्या कहलाती है, जनक रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये हो सकता है इस तरह से, जैसे ये है अपने पास,
फिर पीछे की साइड भी घूम जाएगा ऐसे, पीछे तो पूरा होगा। तो ऐसी ऐसा हम बढ़ा सकते हैं, एक लाइन ली, उस लाइन को बीच में से ऐसे फिक्स किया और ऐसे ऐसे घुमा दोगे चारों तरफ नीचे से पकड़ के। ठीक है, ये लाइन है, बीच में से आपने फिक्स किया इसको, कोई भी ये लाइन था आपके पास, ठीक है, इसको बीच में से फिक्स किया और एक सर्कल के अलोंग या जो भी है इलिप्स के अलोंग ऐसे जैसे घुमाओगे तो ऊपर वाला हिस्सा भी वैसे घूम जाएगा, तो इस तरह का सरफेस अपने पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मूविंग लाइन है जिसको हम घुमा रहे हैं वो इसकी जनरेटिंग लाइन हो जाएगी। सिमिलरली सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में एक मूविंग लाइन है अपने पास, इस लाइन को मैंने ऐसे ऐसे घुमा दिया फिक्स, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये लाइन है ये जब तक इसी डायरेक्शन में है, जिधर इसका मतलब एरो टिप जो हम कहते हैं वो उसी डायरेक्शन में है, वो चेंज नहीं होता। दूसरी चीज़, इसके एंगल में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब ये ऐसे है, इसके पैरेलल आप इसको कहीं भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। ठीक है, भाई जैसे आपके पास सरफेस ये रहता था इस तरह से, मान लो कोऑर्डिनेट यहाँ पर कोई लाइन है, इसको इधर उधर ला सकते थे, थोड़ा बहुत वहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट हो सकता है, इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट चेंज हो जाएं, बट उसके पैरेलल लाइन की, इसलिए तो हम कोई भी ये अपने पास लाइन होती थी उधर, जैसे सरफेस होता था MY+NZ=D, तो इसके पैरेलल सरफेस होता तो उसमें D1 कर देते थे या D2 कर देते थे, कॉन्स्टेंट जो वैल्यूज हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, बाकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती उसमें। ठीक है, तो कोण कैसे बनता है, कोण ये एक कोण इज जनरेटेड बाय ए लाइन वाइल कीपिंग वन पॉइंट फिक्स एंड अनदर पॉइंट मूविंग अलोंग ए सर्कल। ठीक है, कि एक पॉइंट तो हम फिक्स रख लें और दूसरे पॉइंट को, एक लाइन है उसका एक पॉइंट फिक्स कर ले और दूसरे लाइन को अगर मैं एक सर्कल के अलोंग घुमाता हूँ तो वहां पर अपने पास क्या जनरेट हो जाता है, एक कोण। ठीक है, ए कोण इज फॉर्म्ड बाय कीपिंग वन पॉइंट फिक्स्ड ऑफ ए लाइन वाइल मूविंग अनोदर पॉइंट अलोंग ए सर्कल। ठीक है, दूसरा कोई पॉइंट पकड़ के हम सर्कल के अलोंग घुमा दें तो वहां पर अपने पास क्या बन जाएगा, एक ठीक है। अब अगर कोई सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर दो लाइनें जो पूरी तरह, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट लाइन है जो पूरी तरह उस पॉइंट से पास हो रही है और पूरी तरह सरफेस पे है, तो वो फिर डबली रूल्ड कहलाएगा। ये सरफेस इज कॉल्ड डबली रूल्ड सरफेस इफ थ्रू ईच पॉइंट देर आर पासिंग टू लाइन्स, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, ठीक है, थ्रू एवरी वन ऑफ इट्स पॉइंट, थ्रू एवरी वन ऑफ इट्स पॉइंट्स, इसके जितने भी पॉइंट हैं जो सरफेस जिसको हम डब्ल्यू रूल बोल रहे हैं उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनके थ्रू अपने पास क्या हो रहा है, देर आर टू डिस्टिंक्ट लाइन्स। ठीक है, देर आर टू डिस्टिंक्ट लाइन एवरी वन ऑफ इट्स पॉइंट, दो अलग अलग लाइन होनी चाहिए, देर आर टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग 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 डिस्टिंक्ट लाइन्स, दैट लाई ऑन द सरफेस, जो कि सरफेस पर लाई भी करनी चाहिए, क्योंकि मान लो ये कोण ही है आपके पास, अब ये कोण का ये पॉइंट है, अब यहां से पास होते हुए ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन ये सरफेस पे थोड़ी है, ये लाइन सरफेस पर थोड़ी है तो बाहर है, ठीक है, तो पूरी की पूरी सरफेस पर भी होनी चाहिए वो लाइन, उसकी बात हम कर,
जैसे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट यही तो रहता है इस तरह का, ये शेप, ये हाँ ठीक है। कई पावर प्लांट वगैरह होते हैं, इनमें चिमनी बनी रहती है, या कई जगह विदेशों में आप देखोगे तो पानी की टंकी भी इसी शेप में थोड़ी सी बनी रहती है, मतलब ऐसे नीचे का बेस रहता है उसका। और अपने यहाँ भी ऐसी कोई शेप होगी, मेरे अभी माइंड में आ नहीं रहा। ठीक है, मतलब वहाँ पे मैंने एक ऐसे फोटो देखी थी, उसमें इस तरह से पानी की टंकी बनी हुई थी। ठीक, मतलब ये ऊपर जैसे अपने नॉर्मली क्या होता है, इस तरह से पिलर्स खड़े कर देते हैं चारों पांचों तरफ और फिर ये पानी की टंकी बना देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे कुछ थी। तो ये जो नीचे का शेप है, ये अपने पास होता है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। तो ये कुछ इस तरह से जनरेट होता है अपने पास, मतलब ये लाइंस होती हैं, ये ऐसे की तरफ जो घूमती रहती हैं, और पीछे की साइड जब जाएंगी तो ऐसे दिखेंगी अपने पास कुछ इस तरह से, मतलब इस तरह से लाइंस होती हैं, वो ये ऐसे घूम के और ऐसे आएगी फिर अपने पास। ठीक है, तो ये पूरा मतलब इसमें दो लाइंस होती है एक तरह से। अल्टीमेटली हम बात कहें कि अपने पास हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट में दो जनरेटिंग लाइंस हो जाएंगी, दो सिस्टम, यहाँ पर एक अल्फा सिस्टम और एक म्यू सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। एक लाइंस का जो सिस्टम है उसको अल्फा सिस्टम नाम दे देंगे, अभी ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम, और एक जो लाइंस का सिस्टम है उसको हम म्यू सिस्टम नाम दे देंगे। ठीक है, मतलब ये जो एक साइड जो पैरेलल लाइन चल रही हैं इनको हम अल्फा सिस्टम नाम दे देंगे, दूसरी तरफ इस तरफ जो पैरेलल ऐसे लाइन्स चल रही हैं उनको म्यू सिस्टम नाम दे देंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें यही है, अपने को पढ़ना ही यही है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। ठीक है, उसकी जनक रेखाएं, उसकी प्रॉपर्टीज़, जो मतलब जनरेटिंग लाइन है उनकी प्रॉपर्टीज़, यही सब हमें पढ़ना है। तो जब इस चैप्टर में हम आगे हाइपरबोलॉइड की बात करेंगे, अति परवलयज की बात करेंगे, तो उस टाइम आपको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, एक पृष्ठीय अति परवलयज की, यानी कि वन जो है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की ये बात कर रहा है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की ही बात करेंगे, बाकी की बात नहीं करेंगे अपने पास। ठीक है, और वैसे भी अपने पास जनरेटिंग, ये जनरेट और तो होंगे ही नहीं जनरेट, भाई ये है अपने पास, इसको कैसे जनरेट करोगे आप लाइन से। ठीक है, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट या इलिप्सॉइड है, इलिप्सॉइड तो ऐसी सी शेप है, इसको लाइन से जनरेट बना सकते हो क्या, एक मूविंग लाइन लो उसको बना सकते हो क्या, नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, रूल्ड सरफेस पढ़ा, उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें और आती हैं, एक आता है डेवलपेबल और एक तरह से नॉन डेवलपेबल। ठीक है, तो रूल्ड सरफेस भी अपने पास दो जो है उसमें रखा जा सकता है, रूल्ड सरफेस कैन फर्दर कैटेगराइज्ड, स्पेलिंग देख लेना, इन टू पार्ट्स। ठीक है, इसको दो भागों में हम आगे विभाजित एक तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट अपने पास विकासनीय डेवलपेबल, विकासनीय, और सेकंड अपने पास स्क्यू सरफेस, नॉन डेवलपेबल भी इसको बोल देते हैं, अविकासनीय भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आपके पास हो सकती हैं, आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग वहां पर डेफिनेशंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि अपने पास इसमें जैसे डेवलपेबल सरफेस में मैं बात करूं तो इस तरह से अपने पास सिलेंडर आ जाएगा, कोण आ जाएगा। ठीक है, स्क्यू सरफेस में अगर हम बात करेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट आ जाएगा मेनली, जिसकी हम बात करेंगे जो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में वो ये है।
अब यहां पर आप सिंपल सा इसका थोड़ा सा अगर मीनिंग समझना चाहो, लेकिन जो एग्जैक्ट नहीं है मैं बता रहा हूं सिर्फ, तो वो ये समझ सकते हो कि आपने इसको ऐसे कट किया, मान लो आपके पास सिलेंडर है, ओ सॉरी मतलब कुछ पेपर है, पेपर का ऐसी शेप बनी हुई है, ठीक है ये पेपर है, इसको ऐसे आप रोल करोगे तो ये एक तरह से सिलेंडर की शेप बन गई, ऐसी शेप होती है सिलेंडर की अपने पास, यही तो शेप होती सिलेंडर की, ठीक है। आपने इसको यहाँ से कट किया एक पॉइंट से, तो इसको एक पूरे के पूरे सरफेस पर हम क्या कर सकते हैं, बिछा सकते हैं, ठीक है। सेकंड अपने पास कोण है, कोण भी ऐसे ऐसे कुछ बनता है, इस तरह से अपने पास बन जाता है कोण, कोण की शेप हो गई है, ठीक है। इसको भी अपन एक पॉइंट से कट करके ऐसे बिछा सकते हैं, लेकिन जो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है, वो क्या बीच में से थोड़ा सा दबा रहेगा ऐसे, और जब इसको कट करके आप निकालोगे तो ये जो दबा हुआ हिस्सा ये उठ जाएगा अपने पास ऊपर, जब आप सरफेस पे बिछाने की कोशिश करोगे तो नहीं बिछेगा वो, ठीक है। ये जो शेप है ये अंदर की साइड ये है, इसको जब आप इस सरफेस पर बिछाओगे तो ये ऐसे ऐसे रहेगा, अभी ये हिस्सा टच नहीं होगा, बीच वाला हिस्सा कंप्लीटली सरफेस पर नहीं आएगा, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। या जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका ये हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है कि दो कंजुगेट जनक रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखज पृष्ठ को विकासनीय पृष्ठ हम कहते हैं, शंकु और बेलन इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इफ टू जनरेटिंग लाइंस ऑफ ए रूल्ड सरफेस, टू कंजुगेटिव, एक वर्ड और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब है कर्मागत, मतलब पहली फिर उसके बाद जस्ट उससे आगे वाली, उसकी बात करता हूँ, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी आपने ली उससे जस्ट आगे वाली है, तो वो कंजुगेटिव कहलाती है, ठीक है। टू, इफ टू कंजुगेटिव जनरेटिंग लाइंस ऑफ ए रूल्ड सरफेस इंटरसेक्ट्स देन दैट रूल्ड सरफेस इज कॉल्ड डेवलपेबल सरफेस, ठीक है। तो जब हम देखेंगे, अभी ये चीज़ें हो सकता है आपको समझ नहीं आए अभी, लेकिन जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट में, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो एक सिस्टम है, जैसे अल्फा सिस्टम है, वैसे आपको दिख भी रहा होगा कि इस तरह की शेप होती है, तो इस तरफ ये मान लो अल्फा सिस्टम है, तो अल्फा सिस्टम की कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि पैरेलल चल रही है, और जो म्यू सिस्टम है उसकी भी कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अल्फा और म्यू की अगर आप एक एक लाइन लेते हो, एक अल्फा की और एक म्यू की, तो कन्फर्म है वो कहाँ आपको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी अपने पास इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो डेवलपेबल सरफेस कहलाता है, ठीक है। तो ये अपने पास एक तरह से स्क्यू सरफेस हो जाएगा, जो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है वो अपने पास ये दूसरा वाला अविकासनीय नॉन डेवलपेबल भी जिसको हम कह सकते हैं वो सरफेस अपने पास हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे इफ टू कंजुगेटिव जनरेटिंग लाइंस ऑफ ए रूल्ड सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट, देन दैट सरफेस या दैट रूल्ड सरफेस इज कॉल्ड नॉन डेवलपेबल सरफेस और स्क्यू सरफेस, ठीक है, नॉन डेवलपेबल सरफेस और स्क्यू सरफेस, उसको हम जो है अविकासनीय पृष्ठ कह सकते हैं। अब इसमें दूसरी डेफिनेशन अगर आप देना चाहो तो ये दे सकते हो कि एक डेवलपेबल सरफेस वो रूल्ड सरफेस होता है जिसकी गॉसियन कर्वेचर होती है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए डेवलपेबल सरफेस इज ए रूल्ड सरफेस हैविंग गॉसियन कर्वेचर, हैविंग गॉसियन कर्वेचर, ऐसा रूल्ड सरफेस जिसकी गॉसियन कर्वेचर हो। कर्वेचर क्या होती है, कर्वेचर क्या होती है, कर्व, कर्व आपने पढ़ा है वक्र, और कर्वेचर होती है वक्रता। तो कर्वेचर का मतलब क्या है कि आपका जो सरफेस है उसमें कितना घुमाव या कितना जो है कर्व आ रहा है, ठीक है। ये मान लो ये आपके पास सरफेस है ये, ठीक, आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींची, इससे आगे वाले पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींची, फिर आगे वाले पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींची, तो उसमें कितना जो है फर्क आ रहा है वो चीज़। अगर सिंपल ये सरफेस है,
मतलब एक प्लेन लाइन है, यहाँ पर आप जो है इसी के ऊपर आएगी जो टेंजेंट लाइन आएगी एक तरह से, तो सारी की सारी सेम ही आएगी, यानी कर्वेचर यहाँ पर क्या है, जीरो है, कोई भी कर्व इसमें नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप ऐसे ऐसे कर देते हो तो वहां पर जो है ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन चेंज होगी, अपनी पोजिशन क्या करेगी, चेंज करेगी, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो अगर कोई अपने पास रूल्ड सरफेस है, अगर कोई रूल्ड सरफेस है और वो गॉसियन कर्वेचर रखता है, हैविंग गॉसियन कर्वेचर एवरीवेयर, हर जगह पर, ठीक है, ये नहीं कि कहीं भी, हर जगह पर गॉसियन कर्वेचर रखता है, तो वो अपने पास डेवलपेबल सरफेस कहलाता है, ठीक है। कोण, सिलेंडर, इलेप्टिक कोण, हाइपरबोलिक सिलेंडर, ये सारी प्लेन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब गॉसियन कर्वेचर वगैरह क्या होती है वो आपको एमएससी में पढ़नी है, अभी इस पर इतना ध्यान नहीं देना, बस सिंपल आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। या मोस्ट सेकेंड, अगर नोट डेवलपर की बात करें तो मोस्ट स्मूथ सर्फेसिज, या ब्रैकेट में सर्फेसिज इन जनरल, मोस्टली जो स्मूथ सरफेस होते हैं वो अपने पास नॉन डेवलपेबल सरफेस होते हैं, आर नॉट डेवलपेबल या नॉन डेवलपेबल एक ही बात है, और डबल कर्वेचर भी इसको हम कह देते हैं, या फिर डबली कर्व्ड भी हम इसको कह देते हैं, या फिर कंपाउंड कर्वेचर भी इसको कह देते हैं, या फिर नॉन जीरो गॉसियन कर्वेचर भी इसको कह देते हैं, ठीक है। डबली कर्व्ड मतलब डबल, एक तरह से कर्व अपने पास हो जाएगा, वहां पर डबल कर्व चलेगा, ठीक है, उनको नॉन डेवलपेबल अपने पास, या कंपाउंड कर्वेचर भी उसको कह देते हैं, या नॉन जीरो गॉसियन कर्वेचर भी उसको कह देते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, वो आपके काम की है नहीं इतना कुछ। और कर्वेचर का मैंने क्या बताया कि कितनी रेट से जो है सरफेस पर अपने पास जो टेंजेंट लाइन है वो चेंज हो रही है, ठीक है, द रेट ऑफ सरफेस बेंडिंग, किस हिसाब से सरफेस बेंड कर रहा है या मुड़ रहा है अलोंग एनी टेंजेंट लाइन डायरेक्शन, किसी भी टेंजेंट की डायरेक्शन में एट द सेम पॉइंट, ठीक, एट द सेम पॉइंट डिटरमाइंड बाय द टू प्रिंसिपल कर्वेचर। दो प्रिंसिपल कर्वेचर अपने पास, एक आयलर फॉर्मूले से अपने पास होती है, एक प्रिंसिपल कर्वेचर होती है, गॉसियन कर्वेचर होती है, ठीक है, के वन के टू, के वन प्लस के टू वन बाय टू, एक तरह इस तरह से होती है कि के वन इंटू के टू, ये अपने पास, ठीक है। तो ये सारी एमएससी की चीजें हैं, अपने अभी कुछ काम आएंगे नहीं इनमें। या फिर इसी में और डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए सरफेस जनरेटेड बाय वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, एक ऐसा सरफेस जो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपेबल सरफेस कह सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर टू पैरामीटर ऑफ फैमिली, जिसमें एक पैरामीटर म्यू है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, म्यू सिस्टम और एक लैम्डा सिस्टम, तो ये दो पैरामीटर्स हैं उनकी, ये एक तरह से पैरामीटर ही हो गए, लैम्डा और म्यू, ठीक है, तो दो पैरामीटर्स हैं उससे ये क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है ये जो सरफेस है। अगर एक पैरामीटर ऑफ फैमिली से पूरा सरफेस आपके पास जनरेट हो रहा है तो फिर उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, वहां पर जो है डेवलपेबल सरफेस। तो ये अपने पास नॉन डेवलपेबल में आता है। ए सरफेस जनरेटेड बाय वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन्स इज कॉल्ड डेवलपेबल सरफेस, और सिंपली डेवलपेबल भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इतना कोई काम की है नहीं, जो आपके बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो इसमें देखते हैं, आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, ये हो गया। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का आपको पता ही है क्या होता है, मैंने ये बताया था, आपके पास एक तो इस तरह से रहेगा, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर, वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर प्लस जेड स्केयर अपॉन सी स्केयर इक्वल्स टू वन, ठीक है, तीनों साइन अगर इस तरह से लिखें और तीनों साइन प्लस हैं तो अपने पास इलिप्सॉइड हो जाता है। कोई एक नेगेटिव है, जैसे मान लो ये माइनस का आ गया या ये माइनस का आ गया, ठीक है, या ये माइनस का आ गया, तो फिर हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है। अगर दो साइन नेगेटिव हैं, ये दोनों या फिर ये और ये नेगेटिव है, तो फिर अपने पास हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, ठीक है, द्वि पृष्ठ का अति प्रवलज अपने पास आ जाता है, या एक पृष्ठ अति प्रवलज। तो इस यूनिट में हम हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की ही बात करेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में भी आपके पास हाइपरबोलॉइड लिखा हुआ आता है तो
उसका यही समझना है कि आपको हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की वो बात कर रहा है, और वैसे भी जो मतलब उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही नेगेटिव मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है, तो पता भी चल जाएगा हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की वो बात क्या है कर रहा है अपने पास, ठीक है। तो इन चीज़ों में कोई दिक्कत, ये तो बेसिक डेफिनेशंस है, एग्जाम में पूछी नहीं जाती, हो सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा अलग कोई यूनिवर्सिटी है उनमें हो सकता है बेसिक डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं तो। बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ये बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछी भी नहीं जाती, बट इनको समझना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट, अब आपको जो क्वेश्चंस इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके आएंगे वो एक ही तरह के क्वेश्चंस आएंगे और एक ही तरीके से सारे के सारे सोल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सारे ए टू जेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक ही तरह से आपके पास सोल्व हो जाएंगे, बस आपको ये तरीका है अच्छे से समझ लेना है कि कैसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं। होगा क्या, होगा ये कि आपको एक सेंट्रल कोनिकोइड का इक्वेशन दिया हुआ होगा, आपको एक सेंट्रल कोनिकोइड का इक्वेशन, या मैं मोर स्पेसिफिकली अगर कहूं कि आपको एक जो है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का इक्वेशन आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या पढ़ना है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, और आपका जो सिलेबस है उसमें भी ये लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट जो है, ठीक है, तो जनरेटिंग लाइंस की, तो इसकी बात करेगा वो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की, वहां पर आपको एक एग्जांपल मिलेगा, एक वो पॉइंट दे देगा कि ये जो है पॉइंट है कोई भी 1, 2, -3, 3, 4 जो भी है एक्स वाई जेड, वो आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है, कि इस लाइन से पास होने वाली इस पॉइंट से पास होने वाली जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो इसको क्या कर रही हो, जनरेट कर रही हो, ठीक है, ऐसे कहें इस पॉइंट से पास होने वाली इसकी जनरेटिंग लाइंस का इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है, कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो अब देखो कि कोई पॉइंट है आपके पास, उससे पास होने वाली लाइन कैसे लिखते हो, x-1 y-2 और z-3, तो +3 अपॉन क्या चाहिए होता है LMN, डायरेक्शन कोसाइंस आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इससे पास होने वाली लाइन तो आपने लिख दी, इससे पास होने वाली लाइन तो लिख दी, तो बस यही तो पूछा है उसने, लेकिन उसने जो पूछा है हो सकता है वहां पर LMN की वैल्यू पता नहीं क्या आएगी, हमने LMN तो अपनी मर्जी से लिखे है ना भाई, ऐसी तो बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है, तो सारी इसको थोड़ी जनरेट करेंगे, वहां पर LMN भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो अब जो खेल है वो आपका LMN फाइंड आउट करने का है, आपको LMN फाइंड आउट करने हैं, इसमें रखने हैं, और आप कह दोगे कि ये लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इसकी जनरेटिंग लाइंस है, ठीक है, बेसिकली यही आपको करना है। अब एक बार क्वेश्चंस देखो जितने भी हैं, फर्स्ट आपका एग्जांपल है उसमें आपको एक अति परवलयज दे दिया, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट दे दिया और एक पॉइंट दे दिया 2, 3, -4, ठीक है, सेम इसी तरीके से करोगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ भी है अपने पास 2013 में। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक आपको हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट दे दिया और एक पॉइंट दे दिया, थर्ड एग्जाम्पल देखो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट दे दिया और एक पॉइंट दे दिया, क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, क्वेश्चन नंबर टू उसमें भी हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट आपको दे दिए और एक पॉइंट दे दिया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर टू में थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि x²+9y²-z²=9, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें वहां पर सिर्फ ये क्या आएगा, इसको इक्वल्स टू में हम क्या रखते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट या कोई भी है उसमें वन रखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/9, ये 1 और ये -1/9 या z/9, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं आएगा, या इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3² + y² / 1² + -z²³, ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू जो अगर नॉर्मली इसकी बात करूं तो ए बी सी की वैल्यू यहां पर 3, 1, 3 हो जाएगी, ठीक है, ये है, बाकी वैसा ही है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है और आपके पास जो है एक पॉइंट है, क्या करना है जनरेटिंग लाइन निकालनी, सबके सब क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, ठीक है, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में कन्फर्म मिलेगा, दो या तीन एग्जाम्पल हैं और दो या तीन क्वेश्चन हैं,
ठीक है, अभी हम समझेंगे कि इनको करना कैसे है, वो नहीं बताया मैंने। सिंपल ये बताया है कि सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैं सिंपल एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कोई भी, और उसके जैसे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। अगर कोई नहीं समझ में आता है तो वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो आपसे नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एक ही बार में आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से अपने पास हो जाएंगे। अब इसमें मैं जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो थोड़ी सी मेन है, उसको थोड़ा सा अच्छे से अपने को समझना है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे, क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे। इस तरह का इक्वेशन मान लो आपके पास दिया हुआ होगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इक्वल्स टू वन, इस तरह का मिलेगा। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की ही बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, मैंने पहले भी बताया था, या इस चैप्टर में हमें प्रॉपर्टीज जो पढ़नी है वो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की ही पढ़नी है, एक पृष्ठीय अति परवलयज की पढ़नी है। तो फिर उसका इक्वेशन ऐसा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इधर साइन आ जाएगा, मतलब एक जगह कहीं ना कहीं नेगेटिव मिलेगा और तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, इस तरह का कुछ मिलेगा। अब इसको क्या करना है, जो नेगेटिव वाला है वो तो इधर ही रख लो और साथ में एक पॉजिटिव रख लो, और दूसरा जो है उसको इस तरफ ले आओ, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो मान लो ऐसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इक्वल टू वन। मैंने क्या कहा कि इस तरह का जो नेगेटिव वाला है उसको तो इधर ही रख लो और जो दूसरा है उसको इस तरफ ले लो, तो वो भी नेगेटिव में चला जाएगा। इसका रीजन भी बताएंगे क्या है, क्यों करना है अपने को ऐसे। अब इसको क्या करना है कि ये कुछ इस तरह का नहीं है क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो इसको मैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई में तोड़ सकता हूं, बताओ। ये एक्स स्क्वेयर यानी ऐसे कहूं कि एक्स अपॉन ए का होल स्क्वेयर, ये चीज यही तो है, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वेयर माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वेयर, बात तो वही, ठीक है। तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी लिख सकता हूं। सिमिलरली ये जो चीज है ये ऐसी नहीं है क्या, वन स्केयर माइनस जेड अपॉन सी का स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर टाइप की है, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत, ऐसा कोई भी सरफेस आपके पास आएगा इस तरह से लिख सकते हो। ये है मान लो, इसको कैसे लिखोगे, एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी और एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू दूसरी तरफ वन प्लस वाई अपॉन बी और वन माइनस वाई अपॉन बी, बताओ। वापिस करके देख लो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सिमिलरली एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। कोई भी सरफेस है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है इसी टाइप का होगा, आप उसको एक तरफ ये नेगेटिव एक एक प्लस एक नेगेटिव का एक तरफ रख लो, एक प्लस एक नेगेटिव का दूसरी तरफ ले जाओ, वन वाला जो, ठीक है। तो इस तरह से तोड़ सकते हो, इस चीज में कोई दिक्कत है या नहीं है, मतलब यहां तक कर सकते हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मैं इतना आराम से आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये हम यूट्यूब पर भी डालेंगे। यूट्यूब पर क्यों डालेंगे कि मैंने देखा था वहां पर, मैंने ऐसे ही सर्च कर लिया जनरेटिंग लाइंस, तो एक दो वीडियोज मुझे मिले वो बड़े बकवास वीडियो मिले, ठीक, अच्छे से समझा ही नहीं रखा, समझा क्या नहीं रखा, मतलब ठीक है रट लो रट लो। अब इसमें ये बात बताओ मुझे, अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है, हमने जो चीज़ पढ़ी है उसमें कुछ भी रटने वाला था क्या, कि मतलब आपको रटना है क्या, है इसमें रटने वाला, देखो इसमें यहाँ तक हमने जो भी किया है इसमें रटने का क्या था, समझने का क्या नहीं है इसमें। मैंने वो वीडियो देखा, मैंने ऐसे चला लिया, मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। मैं ये बात वो अभी ऑफलाइन वाले बच्चे उनको भी बता रहा था कि मतलब उसमें क्या, वो बंदा बोल रहा है कि ठीक है रट लो ये रट लो, जनरेटिंग लाइन है रट लो, जनरेटिंग लाइन कुछ नहीं, अरे कुछ मतलब समझाओ ना यार उस चीज़ को, अगर नहीं आ रहा तुम्हें तो ज़रूरी है क्या वो चीज़ यूट्यूब पर डालनी। तो यहाँ पर देखो इसमें, अब इसमें रटने का क्या है मुझे ये बताओ, आपने कि ये इक्वेशन है इसको इस तरह से तोड़ा हमने, यहाँ तक कुछ रटने का है, आगे भी कुछ नहीं है रटने का, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा समझने का है, ठीक है। और मैथमेटिक्स रटने से नहीं होता है, और आपसे नहीं हो रहा तो भाई ऐसे काम मत किया करो, यूट्यूब पे मत डाला करो, अगर आप देखोगे इन फ्यूचर कभी ये वीडियो तब की बात बता रहा हूँ।
तो यहां पर ये लिख लिया आपने। अब देखो आपके पास कोई इस तरह से, मान लो ये नंबर है 2 × 3 है, मान लो सिंपल सी बात है 6 होता है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 1 × 6, बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ठीक है। तो अब इस चीज को समझना कि ये जो नंबर जिस तरह से इससे कनेक्ट होगा उसका जस्ट 1/2 करके मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं ठीक है। यानी 2 उसका 1 × 2 पार्ट है भाई, ये इसको 2 से अगर मैं डिवाइड करूं इस नंबर को तो ये इधर वाला नंबर बन जाएगा, तो फिर इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तब ये नंबर बनेगा। ये चीज समझ में आई? नहीं समझ में आई दोबारा करते हैं। 4 × x² इक्वल्स टू, इधर मान लो आपके पास 4x² को मैं 2x × 2x लिख दिया मैंने, 2x × 2x लिख दिया। अब जैसे ये दोनों कनेक्ट हैं, ये दोनों कनेक्ट होने का मतलब है आप इसको रेशियो ही लिख लो ना सीधा, ये कैसे कनेक्ट है, ये सर इस तरह से कनेक्ट है 2 / x इस तरह से कनेक्ट है ठीक है मान लिया। तो जो दूसरा वाला है ये अपने पास 2x और ये x², ये भी इसी तरह से कनेक्ट है देख लो 2/x, लेकिन मैंने क्या कहा था कि उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा, आपने क्या किया ऊपर 4 लिखा था फिर 2x लिखा था, तो यहां पे ऊपर क्या लिखोगे x² और क्या लिखोगे 2x, तो x एक पावर से कैंसिल, तो x/2 आएगा, तो जस्ट अपोजिट आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ये 2/x है तो x/2 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये नंबर इसका अल्फा टाइम है या एल टाइम है, तो जो दूसरा नंबर है वो वेल बाई एल टाइम्स होगा, अगर इक्वल्स टू में लिखा हुआ है और इस तरह से दो ही आपके पास अगर कुछ टर्म्स हैं तब की मैं ये बात कर रहा हूं। ये चीज समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत भाई? आपके पास ये है 2 है, ये इसका 1/2 पार्ट भाई, 2 का 1/2 पार्ट ये है, तो फिर ये जो है ये इसका 1/2 को उल्टा करो, ये इसका 2 टाइम्स होगा और होना ही पड़ेगा अगर इक्वल्स टू का साइन है तो। आप कोई भी कुछ भी नंबर से यहां पर रख के देख सकते हो जो आपको अच्छे लगे हो ठीक है। तो यहां से अपने पास एक चीज निकल कर आती है कि अगर ये इसका म्यू टाइम्स है या अल्फा टाइम्स है जो भी है, हम यहाँ पे दो अपने पास पैरामीटर लेंगे, एक लैम्डा और एक म्यू ठीक है, जिसको एक को हम लैम्डा सिस्टम बोलेंगे एक को म्यू सिस्टम बोलेंगे, दो अपने पास सिस्टम आएंगे जनरेटिंग लाइन्स के, तो एक लैम्डा और एक म्यू हम बोलेंगे। तो मान लेता हूँ कि ये जो है इसका म्यू टाइम्स है ये वाला ठीक है, तो कन्फर्म है ये इसका 1/μ होगा। अभी अभी जो मैंने चीज़ बताई सब समझ आ रहा है सर आप जैसे ठीक है ना, वो चलो ठीक है वो बाद की बात है। तो ये अपने पास अगर ये म्यू टाइम्स है तो ये 1/μ टाइम्स वहां पर अपने पास होगा, इस चीज में कोई दिक्कत? अब आपने मान लिया कि सर ये इसका म्यू टाइम, जरूरी थोड़ी है भाई, हो सकता है ये इसका हो कुछ ना कुछ भाई, एक इधर आपने फिक्स कर दिया कि सर इधर मैंने ये ले लिया, अब या तो ये इससे कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा या फिर इस वाले से कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा, हमने हम कोई फिक्स नहीं कर रहे हैं ठीक है, कोई ना कोई ये मान लेते कि ये इसका लैम्डा टाइम है तो फिर कंफर्म है इनके अलावा जो बच गया कौन से बच गए, ये दोनों एक दूसरे से 1/λ टाइम्स होंगे, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे ये था आपके पास 2 × 3 और 1 × 6 ये था कि ये इसका 2 टाइम्स है तो ये इसका 1/2 टाइम्स होगा, ये ऐसे कहें कि ये इसका 2 टाइम्स है तो ये जो है इसका 1/2 टाइम्स होगा, ये चीज ठीक है। अब मैं 2 को 1 के बजाय 2 को 6 से कनेक्ट करता हूं तो ये इसका 3 टाइम्स है तो फिर इसका 1/3 टाइम्स ये होगा जो बाकी जो 2 बच गए ठीक है। अगर आप कोई भी 2 ले रहे हो, ये इसका म्यू टाइम्स है तो बाकी जो 2 बच गए वो 1/μ टाइम्स हो जाएगा और होना ही पड़ेगा क्योंकि आपने इसको म्यू टाइम्स करके कर दिया तो 1/2 कहीं ना कहीं उस म्यू को कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना ठीक है। तो ये चीज है अपने पास और यहीं से 2 अपने पास वो सिस्टम है वो निकल कर आते हैं और यहीं से अपने जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाते हैं ठीक है। जो ये जो काम आएगी ये चीज आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी, वहां पर लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम का वहां पर चलेगा, इसमें इतना नहीं चलेगा, इसमें यहां तक आपको चेंज जरूर करना है ठीक है। अब वो 2 सिस्टम है वो क्या होंगे वो भी बता देता हूं। अब मान लेते हैं हमने फिक्स कर दिया कि सर ये मैंने फिक्स कर दिया ये वाला इधर की साइड, ये मैंने फिक्स कर दिया ठीक है, या इसको मैं रफ कर देता हूं
ये है आपकी बुक में, ये दिया हुआ है, ठीक है, माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर वाला, तो मैं इसमें से ये फिक्स कर देता हूँ, मैंने ये फिक्स कर दिया, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया, वन प्लस वाई अपॉन बी, इधर ये फिक्स कर दिया, वन प्लस वाई अपॉन बी ये फिक्स कर दिया मैंने। दूसरी तरफ, इस तरफ क्या हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, भाई इन दोनों में से किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, मैंने मान लिया इससे कनेक्ट है x बाई ए प्लस जेड बाई सी, या अगर इससे नहीं मानू तो दूसरे केस में, जो जस्ट दूसरा केस है उसमें मैंने ये मान लिया कि सर इससे नहीं है तो माइनस वाले से कनेक्ट है, कोई दिक्कत, ठीक है। जब इससे कनेक्ट है तो मैंने मान लिया इसका लैम्डा टाइम है, या फिर मतलब ये तो मैंने फिक्स कर दिया इस तरफ, तो ये इससे कनेक्ट है तो लैम्डा टाइम्स है, या फिर अगर ये इससे कनेक्ट है तो म्यू टाइम्स है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, वाई अपॉन बी है ये। अब मैं इस केस की बात करूं, ये तो अपने पास दूसरा केस हो गया, और या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इधर आपके पास कोई नंबर है, मतलब मल्टीप्लाई, ये चीज भी ध्यान रखना, बीच में कोई साइन वाइन नहीं है, मल्टीप्लाई में है ये, तो मल्टीप्लाई में ये कुछ है अपने पास क्वांटिटी, ये या तो इससे कुछ कनेक्ट है या इसका कुछ कनेक्ट है, तो मैंने एक बार इससे कनेक्ट माना तो इससे मैं क्या मान लिया कि इस ये जो है ये इसका लैम्डा टाइम्स है, दूसरी बार इस ये जो है ये इसका म्यू टाइम्स है, ये मैंने मान लिया। अब आपने एक फिक्स कर लो कोई भी कि आपने सर लैम्डा वाला मान लिया कि ये जो है इनका लैम्डा का कनेक्शन है, तो फिर कन्फर्म है बाकी जो दो बच गए उनका वन बाई लैम्डा का होगा, होना ही पड़ेगा। देन तो दूसरा ये हो जाएगा x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी हो जाएगा अपने पास वन बाई लैम्डा वन माइनस वाई अपॉन बी, ठीक है, और ये दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि ये एक ही कंडीशन है, आप चाहे पहले ये लिख लो ये इसका वन बाई लैम्डा है तो कन्फर्म है बाकी जो दो बच गए वो लैम्डा टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एक ही कंडीशन है, एक साथ ही आएंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। सिमिलरली मान लो आपने लैम्डा वाला नहीं माना, म्यू वाला मान लिया, तो ये माइनस वाला प्लस से, ये माइनस वाला प्लस से, इसको मैं एक सेकेंड, ये है क्या माना हमने दूसरे केस में कि ये इसका म्यू टाइम्स है, ठीक है, तो फिर कन्फर्म है ये इसका क्या होगा वन बाई म्यू टाइम्स। तो इसके साथ जो दूसरी कंडीशन आएगी वो ये आएगी x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वन बाई म्यू वन माइनस वाई अपॉन बी, वन माइनस वाई अपॉन बी, ठीक है, ये दो आपके पास सिस्टम बनेंगे। अब अल्टीमेटली आपको करना क्या रहेगा, अल्फा और म्यू की वैल्यू निकालनी रहेगी, वो सारी चीज़ें आप जब क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ से हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। एक क्वेश्चन हम करके मैं करके दिखाऊंगा आपको, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसी मेथड से अपने पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से अपने पास लैम्डा सिस्टम हो जाता है जनरेटिंग लाइन्स का, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की बात पढ़ रहे हैं हम, ये ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट के अंदर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक ये लैम्डा सिस्टम हो जाएगा, एक ये म्यू सिस्टम हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर दो जनरेटिंग लाइन्स होती हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की, मैंने कहा कि दो जनरेटिंग लाइन्स होती है, तो लाइन्स तो कहीं दिख ही नहीं रही, लाइन्स तो कहीं दिख ही नहीं रही। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये अपने पास जो है प्लेन का इक्वेशन बनेगा, एक प्लेन का इक्वेशन ये बनेगा, एक प्लेन का इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है, एक प्लेन का इक्वेशन ये बनेगा, एक प्लेन का इक्वेशन ये बनेगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां एक्स वाई जेड में कुछ आ जाएगा ना भाई, एबीसी तो आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, तो वहां से एक्स वाई जेड में आपके पास कुछ आ जाएगा, मान लो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 9, तो ये इस तरह का कुछ बनेगा, तो वो क्या होता है, प्लेन ही तो होता है वो, ठीक है। तो एक प्लेन ये बनेगा, एक प्लेन ये बनेगा, और ये आपको पता है कि दो प्लेन एक साथ जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या बनती है, अपने पास एक लाइन वहां पर बनती है, क्या बनती है, एक लाइन वहां पर बनती है कि ये जो है दो प्लेन है ये एक दूसरे को यहां पर कट किए इस पॉइंट पर, ठीक है, तो जहां पर ये कट कर रहे हैं वहां पर ये क्या बन रही है अपने पास, एक लाइन बन रही है, ठीक है, दो प्लेन, कि ये जो दो प्लेन है ये अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस तरह से कट करते हुए निकल रहे हैं, तो ये यहां पर एक क्या बनेगी, एक कॉमन एक लाइन बनेगी, ठीक है, दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर क्या बनेगा, एक पॉइंट आपके पास बनेगा, ठीक है। दो सरफेस में मान लो एक गोला है और इसके अंदर कुछ और आपने बना लिया, तो जहां मान लो एक गोला है और एक प्लेन है, ये गोला और एक प्लेन इसको कट कर रहे हैं,
तो जहां जहां ये कट करेगी वहां पर एक अपने पास क्या बनेगा, एक वो है जिससे कट करता हुआ निकलेगा, एक वहां पर मतलब एक बोल लो आप, सिंपल सी बात है कि जो अंदर से खोखली बोल होती है उसको आप काटो, जहां जहां वो टच करेगा जिस जिस पॉइंट पर, क्योंकि बीच में तो खोखली है, जिस जिस पॉइंट पर वो टच करेगा वहां एक क्या बन जाएगा अपने पास, सर्किल बन जाएगा, ठीक है, यानी एक कर्व या कोनिक हम कह सकते हैं, वो वहां पर जनरेट हो जाएगा, एक सरफेस और एक प्लेन वहां पर कट कर रहे हैं। तो अलग अलग चीजें हैं वो, आप 2D 3D कहीं भी आप गूगल करके पढ़ सकते हो कि एक सरफेस एक लाइन कट कर रहे हैं तो वहां पर क्या बनेगा, सीधी सी बात है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास जो है इस तरह से, एक तो एक लैम्डा सिस्टम। अब देखो ये दो प्लेन आएंगे, उन दोनों प्लेन को एक साथ लिखोगे यानी वो एक लाइन बन जाएगी, और उस लाइन को हम क्या बोल देंगे, इसकी जनरेटिंग लाइन। सिमिलरली एक यहाँ से जनरेटिंग लाइन्स आ जाएंगे, तो जो दो जनरेटिंग लाइन्स अपने पास हो जाएंगी, एक लैम्डा सिस्टम वाली एक म्यू सिस्टम वाली, किसकी, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, ठीक है। और दो जनरेटिंग लाइन्स आपको मिलती है, एक जो इस तरफ से ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये था अपने पास हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, इसमें जो ऐसे लाइंस घूम रही है ये जो सिस्टम है इसकी आपको एक लाइन मिल गई, तो बाकी तो आप वैसे बना लो क्योंकि बाकी तो उसके पैरेलल ही तो चल रही है, ठीक है, और इधर वाली एक मिल गई तो बाकी उसके पैरेलल चल रही है, तो दोनों आपको मिल गई तो पूरा का पूरा हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट आपके पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम अपने को करना रहेगा, इसमें वो आपसे लाइंस पूछेगा कि जनरेटिंग लाइंस फाइंड आउट कर दीजिए कि ये आपके पास कोई हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है, इस पॉइंट से पास होने वाली जनरेटिंग लाइन्स आप फाइंड आउट कर दीजिए हमारे पास, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहां तक हमें कहीं भी पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, जो पॉइंट मैं वो एग्जामिनर आपको देगा कि वो जो जनरेटिंग लाइन है वो 1 2 3 से पास होनी चाहिए, तो यहां तक कहीं आपने पॉइंट का यूज किया कि आपने सिंपल ये चीज कहां से लिखी है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट के इक्वेशन से लिखी है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट के इक्वेशन से लिखी है। तो अगर यहां तक लिखना है आपको हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट से, फिर वो कह रहा है कि ये जो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो ये पॉइंट जब इसमें रखोगे एक्स वाई जेड की, जब वैल्यू यहां पर रखोगे अलग जो सॉरी इनकी, तो वहां पर लैम्डा और इसकी जो म्यू है उनकी वैल्यूज अलग अलग जो भी हैं चीजें हैं वो अपने पास वहां पर मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और चीजें थोड़ी सी जो है क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे यहां तक का ये बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट समझने में कोई दिक्कत, जनरेटिंग लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें छोटे छोटे एक दो आर्टिकल और हैं, ये मैं सिर्फ समझा देता हूँ, और सीधी सी बात अगर समझ गए तो यहाँ पर कुछ नहीं है इनमें, समझ जाओगे, इतना कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। पहली जो लाइन है, पहला जो क्या कह रहा है कि अगर इफ थ्री पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इफ थ्री पॉइंट्स, लिखने का काम आप कर सकते हो, इतने बड़े हो गए हो आप, कॉलेज लाइन्स में आ गए, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, कैसे लिखना है वो भी आपको पता है अपनी भाषा में, स्ट्रेट लाई लाई ऑन ए कोनिकोइड, द स्ट्रेट लाइन इज लाइज होली, लाइज होली होली मतलब कंप्लीटली, HWHOLY ऑन द कोनिकोइड, ऑन द कोनी, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपके पास कोई लाइन है, कोई लाइन है, उस लाइन के अगर तीन पॉइंट, उस लाइन के अगर तीन पॉइंट किसी सेंट्रल कोनिकोइड पे या कोनिकोइड पे आ जाते हैं तो वो लाइन पूरी की पूरी उस कोनिकोइड पर होगी, वो लाइन पूरी की पूरी उस कोनिकोइड पर होगी, ये चीज ये कह रहा है कि इफ थ्री पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लाई ऑन ए कोनिकोइड, अगर किसी लाइन के तीन पॉइंट, तीन कोई भी तीन हो सकते हैं, एक कोनिकोइड पर लाई कर रहे हैं आ रहे हैं, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन पूरी की पूरी ही उस कोनिकोइड पर होगी। स्टेटमेंट समझ में आ गया? चलो अब मान लेते हैं कि ये आपके पास कोनिकोइड का इक्वेशन कुछ इस तरह से रहता है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। अब
आप कहोगे कि सर ऐसा तो कोनिकोड का इक्वेशन ही नहीं था भाई, ये कहना क्या चाह रहा है कि एक्स वाई जेड में कोई फंक्शन होगा इक्वल्स टू जीरो, एक्स वाई जेड में कोई फंक्शन होगा, होता क्या था आपके पास, होता तो ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स टू एच एक्स वाई टू यू एक्स टू डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू टू वाई जेड जो भी है इक्वल्स टू जीरो, इस तरह का होता था। तो उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। इस तरह का अपने पास सेंट्रल जो कोनिकोइड का इक्वेशन अपने पास इस तरह से रहता था, द्विघात समीकरण रहता था। ठीक है, तो अब हमें क्या मानने की, एक लाइन है उस लाइन पर तीन पॉइंट है। तो मैंने ये लाइन मान ली कि अल्फा बीटा गामा पॉइंट से तो पास हो रही है और एल एम एन उसके डायरेक्शन कोसाइन है, तो बताओ वो लाइन कौन सी होगी, एक्स माइनस अल्फा पोन एल, वाई माइनस बीटा पोन एम और जेड माइनस गामा पोन एम इक्वल्स टू कुछ मान लेते हैं आर, इस तरह की लाइन होगी, इस चीज में कोई दिक्कत। अब अगर ऐसी कोई लाइन है तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप ले लो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा कि सर एक्स की वैल्यू तो ये आ जाएगी एल आर प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर और गामा प्लस एन आर, बहुत बार निकाल चुके हो, ये कोई पॉइंट होगा जो इस लाइन पर होगा। ठीक है, अब कहोगे कि सर इस लाइन पर एक ही पॉइंट थोड़ी है, हाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, तो क्या चेंज होगा, भाई डायरेक्शन कोसाइन चेंज नहीं होंगे, जिस पॉइंट से पास हो रही है आपको दे दिया कि फिक्स पॉइंट इससे पास हो रही है, तो वो भी चेंज नहीं, चेंज क्या होगा, आर चेंज होगा, आर की वैल्यू आर वन रखोगे तो ये आर वन आर वन आर वन एक पॉइंट आ जाएगा, आर टू रखोगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, आर थ्री रखोगे तीसरा पॉइंट आ जाएगा, एंड सोन सारे के सारे जितने पॉइंट है वो इस तरह से आ सकते हैं। ये कॉमन पॉइंट हो गया इस लाइन का, एक कॉमन पॉइंट हो गया अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर की एक कॉमन एक पॉइंट हमने उस लाइन से पकड़ लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत भाई, ये हमने क्या कर लिया, एक कॉमन वहां से पॉइंट जो है पकड़ा कि ये पॉइंट है और ये जो है अपने पास इस लाइन पर है। ठीक है, अब जो वापस पढ़ो, ये क्या कह रहा है कि अगर इस लाइन के तीन पॉइंट सेंट्रल कोनिकोइड पर जो है या कोनिकोइड है उस पर आ रहे हैं, ये जो कोनिकोइड का इक्वेशन होगा अगर ये पॉइंट मैं कोनिकोइड पर रखता हूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस एल आर, ये हम रखें बीटा प्लस एम आर और गामा प्लस एन आर, यानी एक्स वाई जेड की जगह हम ये रख दूं और इक्वल्स टू जीरो। कहने का मतलब यही तो हुआ कि अगर ये पॉइंट सेंट्रल कोनिकोइड पर है तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और ये आप बहुत बार कर चुके हो कि जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इक्वेशन वहां पर बनता है, या आर में सॉरी आर स्क्वेयर आर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, आर में एक द्विघात समीकरण आपके पास बनता है, ये चीज आप बहुत बार सोल्व कर चुके हो, सेंट्रल कोनिकोइड का इक्वेशन आपके पास होता है उसमें आप कोई पॉइंट रखते हो तो वहां पे आर में एक द्विघात समीकरण बनता है। ठीक है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बनता है आर में, आर स्क्वेयर की जो टर्म है उसके साथ जो भी बचा वो अपने पास ए हो जाता है, आर के साथ जो भी है वो बी बन जाता है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको हम सी ले लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब आर में आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गया, इसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं, भाई आपका पॉइंट था आपने सेंट्रल कोनिकोइड पे रख दिया, ठीक है, वहां से एक आर स्क्वायर में द्विघात समीकरण बन गया। अब आर स्क्वायर में द्विघात अगर दो में अपने पास समीकरण है तो इसके ज्यादा से ज्यादा दो रूट हो सकते हैं, पावर थ्री में होता ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते थे, ज्यादा से ज्यादा क्या एग्जैक्ट तीन ही होंगे। ठीक है, इसके कितने रूट होंगे, इसके दो रूट होंगे। अब फर्क ये हो सकता है दोनों रियल आ जाए, दोनों इमेजिनरी आ जाए, या अपने पास दोनों कोइंसाइड कर जाए एक ही पॉइंट पर आ जाए, बट मैक्सिमम टू हो सकते हैं। और मैक्सिमम दो होने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम दो रूट है तो दो आर की वैल्यू होंगे, और दो आर की वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो दो पॉइंट मिलेंगे, और वो दोनों पॉइंट कहां होंगे, उस सेंट्रल कोनिकोइड पर होंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो सर कि हमें तो इस लाइन के तीन पॉइंट लेकर जाने हैं उस सेंट्रल कोनिकोइड पर। अब तीन कैसे हो सकते हैं, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा आप आर की दो वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करवा सकते हो कि दो वैल्यू आपने रखी आर की जो भी आएंगी उनके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरी वैल्यू भी अगर आपको सेटिस्फाई करवानी है तो फिर क्या कर सकते हो, तीसरी वैल्यू कब सेटिस्फाई होगी बताओ, विजय नींद आ रही है क्या,
ठीक है। तीसरी वैल्यू भी यहां पर कब सेटिस्फाई होगी, भाई दो कोई भी इक्वेशन है आपके पास, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 4 = 0 इस तरह की है मान लो, ठीक है इसको हाँ बन सकती है क्या, भाई जैसे एक्स प्लस टू का स्क्वायर होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 4x, ठीक है तो मैं ये मान लेता हूँ 4x, ये मान लेता हूँ, ठीक है ये इक्वेशन। तो अब इसमें बताओ क्या सेटिस्फाई करेगा इसको, -2 यहां से -2 रखोगे तो माइनस सॉरी +4, -2 रखोगे तो -8 और +4, ठीक है = 0, दोनों ही रूट -2 ही आएंगे, या कोई और आप लोगे तो हो सकता है अलग अलग भी आ जाए, ये आ जाए, ऐसा थोड़ी है कि तीन रूट आपको मिल जाएंगे, तीन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि मुझे तो तीन चाहिए, मुझे तो तीन पॉइंट चाहिए जो उस सेंट्रल कोनिकोइड पर आए। अब तीन वैल्यू आर की तीन वैल्यू इसको कब सेटिस्फाई कर सकती हैं, जब ये एबीसी जीरो हो, जीरो आर स्क्वायर प्लस 0r + 0 = 0। अब आप आर की वैल्यू रख लो तीसरी, ठीक है तो जीरो ही बढ़ेगा, सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जैसे ही आपने एबीसी की वैल्यू जीरो रखी तो दिक्कत पता है क्या आई, कि अब ये आर की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब आप R की कोई भी वैल्यू रख लो, आपने 2000 रख दिया, 3000 रख दिया, 5000 रख दिया, तो भी ये तो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो गया, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट है उनके लिए सेटिस्फाई हो गया। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ कि अगर आप तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप तीसरा पॉइंट किसी लाइन का ये कह रहे हो कि वो सेंट्रल कोनिकोइड पर आ रहा है, तो फिर पूरी की पूरी लाइन ही वहां पर आ जाएगी। ये चीज यहां पर कह रहा है, इफ थ्री पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लाइज ऑन ए कोनिकोइड देन स्ट्रेट लाइन लाइज होली ऑन द कोनिकोइड, पूरी की पूरी लाइन ही सेंट्रल कोनिकोइड पर अपने पास, या मैं बार बार सेंट्रल कोनिकोइड बोल रहा हूं, यहां पर कोनिकोइड है, कोनिकोइड पर यानी कि जो सांकवज है उस पर पूरी की पूरी लाइन आपकी चली जाएगी, ठीक है। अगर ये आपके पास आर को आप एबीसी को जीरो करते हो तो जो कंडीशन है वो क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि एबीसी आपके पास जीरो होने चाहिए, एबीसी कौन से, जो आर में जो द्विघात समीकरण बनेगी वो वाले एबीसी, तो वो अगर जीरो है, एबीसी तीनों के तीनों अगर जीरो है तो कोई भी लाइन पूरी की पूरी सेंटर वो जो कोनिकोइड है उस पर आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार आपका जो बुक में आर्टिकल दिया हुआ है इसको देखो, और इसमें कुछ भी जो लिखना है आपकी इच्छा से आप लिख सकते हो, लिखा हुआ है इसने कि यदि द्विघात का व्यापक समीकरण ये हो गया FxYz, ठीक है, से प्रदर्शित हो तो अल्फा बीटा गामा से पास होने वाली तथा LMN जिसकी डायरेक्शन कोसाइन हो, दिक् को जाए हो, उस लाइन पर किसी बिंदु के निर्देशांक ये लाइन होगी, इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे α+mr β+nr γ+nr, ठीक है। तो यह है अगर अपने पास सेंट्रल कोनिकोइड पर भी स्थित है तो अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये कंडीशन से अपने पास हमको पता है कि ये आर में एक द्विघात समीकरण आएगा जिसके ज्यादा से ज्यादा दो रूट हो सकते हैं, लेकिन अगर तीन पॉइंट कोनिकोइड पर हैं तो मतलब इसके तीन होने चाहिए, और वो तीन कब हो सकते हैं, जब एबीसी आपके पास जीरो हो, ठीक है, और ये फिर आर की सभी वैल्यूज के लिए हो जाएगा। तो अगर एबीसी जीरो है तो फिर सरल रेखा जो भी ले रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन ले रहे हो, वो पूरी की पूरी सांकवज पर, सेंट्रल कोनिकोइड पर या कोनिकोइड पर आपके पास जो है स्थित होगी, ये चीज हमने इस आर्टिकल में देखी। इसको जैसे भी आप अपनी इच्छा से लिखना चाहो, एग्जाम में कभी आया हुआ नहीं है बट लिखना चाहो लिख सकते हो, शॉर्ट में दो चार लाइन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, अब अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट आर्टिकल में कुछ नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो क्या है, ये दिया हुआ आपकी बुक में, टू फाइंड द कंडीशन दैट ए गिवन स्ट्रेट लाइन टू बी जनरेटर ऑफ ए गिवन सेंट्रल कोनिकोइड, कि वो कंडीशन फाइंड आउट करो कि कोई आपके पास स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है, कि ये स्ट्रेट लाइन है, एक सेंट्रल कोनिकोइड के अंदर सांकवज आपको दिया हुआ है, कि ये इसकी जनरेटिंग लाइन है, जो भी सेंट्रल कोनिकोइड है आपके पास, कि ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है ये इसकी जनरेटिंग लाइन है, इसकी कंडीशन फाइंड आउट करो।
ठीक है, सेंट्रल कोनिकोइड मान लो आपको ये दे दिया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर इक्वल टू वन, इस तरह का ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, लाइन का इक्वेशन मान लो ये दे दिया अपनो एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एम, इस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू लैम्डा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस लैम्डा एल बीटा प्लस एम एल सॉरी एम लैम्डा और गामा प्लस एन लैम्डा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट जैसे इसमें रखोगे सेंट्रल कोनिकोइड पर, तो ये अपने पास आर में एक द्विघात समीकरण बनेगा, और किस तरह का बनता है, खूब आप बार बार बना भी चुके हो इसको, ए एल स्क्वेयर प्लस बी एम स्क्वेयर प्लस सी एन स्क्वेयर, ये सोल्व करके देख लेना कुछ नहीं है, लैम्डा स्क्वेयर प्लस टू ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन इक्वल्स टू लैम्डा इंटू लैम्डा, और फिर ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी बीटा स्क्वेयर प्लस सी गामा स्क्वेयर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इस तरह से अपने पास बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आपने क्या किया कि सर ये सेंट्रल कोनिकोइड था जो भी था मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एक लाइन थी, इस लाइन का कोई पॉइंट मैंने लिया, इस पॉइंट को यहां पर टच करवा मतलब यहां रख दिया, तो इसका मतलब ये लाइन इसको टच करती हुई निकल गई। अब आपने एक पॉइंट लाइन का उठाया और वो सेंट्रल कोनिकोइड पर रख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको जो है पूरी की पूरी लाइन उस पर आ गई, ये कंडीशन तो नहीं होगी भाई। क्या हो सकता है, आपके पास ये सेंट्रल कोनिकोइड है, लाइन आपने यहां रखी तो टच कर रही, एक पॉइंट आपने बता दिया, इसका मतलब हो सकता है वो टच करती हुई निकल गई हो, या हो सकता है वो इसको इंटरसेक्ट करती हुई निकल गई हो, दो पॉइंट पर कट कर रहे हो। लेकिन जनरेटिंग लाइन की डेफिनेशन क्या थी, जनरेटिंग लाइन की डेफिनेशन ये थी कि पूरी की पूरी लाइन उस सरफेस को जनरेट कर दे, कि अगर एक लाइन आपके पास है और आपने कहा कि सर ये सेंट्रल कोनिकोइड पे है, तो कन्फर्म है वो पूरी की पूरी उसको क्या कर रही होगी, जनरेट कर रही होगी, इसका मतलब वो पूरी की पूरी लाइन ही उस सरफेस पर होगी, ये चीज होती है भाई। आपके पास ये है मान लो सेंट्रल कोनिकोइड जो भी है, उसकी जनरेटिंग लाइन पूरी की पूरी तो होती है उसके ऊपर, ये थोड़ी है कि आधी लाइन तो टच हो रही है बाकी आधी बाहर निकली हुई है। जनरेटिंग लाइन का मतलब क्या बताया था, कि एक मूविंग लाइन जो पूरा का पूरा सरफेस आपका जनरेट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग लाइन बोलते हैं। इसका मतलब जो भी लाइन होगी वो कंप्लीटली ही सरफेस पर होगी, और अगर कोई लाइन कंप्लीटली सरफेस पर है, तो क्या कंडीशन बताई थी अभी अभी जस्ट, कि ए बी सी को जीरो ही होना पड़ेगा। ये जो ए बी सी है, ये ए है लैम्डा स्क्वेयर के साथ, या आर मान लो ना, जो उसमें आर माना हुआ था आर, ये इसको यहाँ आर मान लो, आर और ये आर और ये आर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आर हो जाएगा बस। ठीक है, कि आर में द्विघात समीकरण आएगा, तो ये जो ए बी सी है, ये ए, ये आर के साथ जो है बी और ये सी, ये आपके पास क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तभी उस केस में ये आर की सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा। यानी ये सारे जीरो होने का मतलब क्या है, कि ए एल स्क्वेयर प्लस बी एम स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, और लास्ट में क्या है, ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी बीटा स्क्वेयर बी बीटा स्क्वेयर प्लस सी गामा स्क्वेयर इक्वल्स टू, और माइनस वन है तो उधर ले जाके वन। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई लाइन आपको जो दी हुई है वो लाइन इस सेंट्रल कोनिकोइड की जनरेटिंग लाइन हो जाएगी, इस चीज में कोई दिक्कत? जो लास्ट जो हमने आर्टिकल पढ़ा था उसी का यूज किया हमने, और कुछ नहीं किया इसमें, कि ए बी सी जीरो होंगे तो उसी केस में अपने पास पूरी की पूरी लाइन, या इसने ये कह दिया कि ये जो समीकरण है ये तत्समक होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब सभी के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो कब हो सकता है, जब ये तीनों कोऑर्डिनेट अपने पास जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेट कुछ भी हुए, मान लो आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो ही आ गया, तो फिर कन्फर्म है कि यहां पर आपके पास दो ही वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, और क्या मिलेंगी, टू आयोटा, क्योंकि टू आयोटा का स्क्वेयर क्या होगा, फोर, टू और टू आयोटा, नहीं ये आएगा ना, दोनों रूट ये आ जाएंगे ना टू आयोटा, क्योंकि स्केयर करोगे तो क्या आएगा, फोर आयटा स्केयर, और फोर आयटा स्केयर वन होता है, तो माइनस फोर, तो एक्स स्केयर इक्वल टू माइनस फोर, यही तो है,
ठीक है, तो टू आई टेस्ट का रूट हो जाएगा, यानी अगर आपने कोई भी वैल्यू इनमें से कोई भी वैल्यू अगर जीरो के अलावा बच गई तो कन्फर्म है वहां पे रूट फिर दो ही बढ़ेंगे, तीसरा रूट नहीं बढ़ सकता। और सारी की सारी वैल्यूज अगर आपको सेटिस्फाई करवानी है तो फिर कन्फर्म है ए बी सी को जीरो लेना पड़ेगा, यानी जो आर स्केयर के साथ जो टर्म है वो, आर के साथ जो टर्म है वो, और कॉन्स्टेंट जो टर्म है उनको क्या लेना पड़ेगा, आपको जीरो लेना पड़ेगा। उसी केस में आपके पास क्या हो सकता है, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसने आगे एक दो लाइन्स और लिख ली, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि अपने पास इसका इक्वेशन क्या था, सेंट्रल कोनिकॉइड का ये था, इसमें एक्स वाई जेड की जगह अगर मैं अल्फा बीटा गामा रख दूं तो ये इक्वेशन नहीं बन जाएगी क्या? तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा पॉइंट सेंट्रल कोनिकॉइड पर है, ये लिखा हुआ है, कौन सी इक्वेशन नंबर 6 की, समीकरण 6 दर्शाता है कि अल्फा बीटा गामा शंक्वज पर है, यानी कि सेंट्रल कोनिकॉइड पर दिख रहा है, ये इक्वेशन है, इसमें अल्फा बीटा गामा रखते ही आ रही है। ये आपके पास टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन होता था सेंट्रल कोनिकॉइड का, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल्स टू जीरो होता था, तो वही तो है ये, ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन इक्वल्स टू जीरो। तो जो समीकरण 5 है वो दिखाता है कि जो सेंट जो ये स्ट्रेट लाइन है वो टेंजेंट प्लेन पर स्थित है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और फर्स्ट क्या दिखा रहा है, इक्वेशन 4, कि इसके आसपास जो असेम्प्टोट लाइन जो जा रही है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इसके जो जनरेटर है उसके पैरेलल में जो लाइन्स हैं वो आपके शंक्वज के केंद्र से जाने वाली रेखाएं या शंकु की जनक है जो भी है, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं, ठीक है। बाकी इसने कुछ ये लैग्रांज थ्योरम वगैरह ये जो लग रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो काम था वो यहीं तक था, ठीक है, कि क्या कंडीशन होगी कि आपकी जो सेंट्रल कोनिकॉइड है एक लाइन है कि ये लाइन इसकी जनरेटिंग लाइन हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो तीनों कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बताओ कौन सा करवाना है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज आपको सारे के सारे करने हैं, सब में वही है, सेंट्रल कोनिकॉइड का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक लाइन आप सॉरी एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट से पास होने वाली जनक रेखाएं जो उस सेंट्रल कोनिकॉइड को, और इसमें सेंट्रल कोनिकॉइड कौन सा है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट ही है, उसको सेटिस्फाई करेंगी, वो सेंट्रल कोनिकॉइड वो जनक रेखाएं कौन सी होंगी, वो जनरेटिंग लाइन्स कौन सी होंगी, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको, क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो आपकी इच्छा हो वो बता दो, वो मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको खुद इसमें करके देखना है, जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जनरेटिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट था, कोई ज़्यादा भारी भरकम चीज़ है नहीं, अगर समझोगे तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ से पूरे का पूरा आपका क्वेश्चन इससे और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वहाँ से कंप्लीट आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में जनरेटिंग लाइंस। क्वेश्चन हम करते हैं ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया हुआ कि आपका जो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है इसमें इसने दूसरे तरीके से किया हुआ, हम दूसरे तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसने कैसे दे दिया कि आपके पास एक लाइन है, उस लाइन से आप पॉइंट निकाल सकते हो, उस लाइन पर कोई पॉइंट, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो वो एक्स प्लस अल्फा आर प्लस ये इस टाइप का, अल्फा प्लस एल आर प्लस बीटा प्लस एम आर प्लस गामा प्लस एन आर टाइप का पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट सेंट्रल कोनिकॉइड पर होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉइंट उठाकर सेंट्रल कोनिकॉइड में रखोगे और वहां से जो भी इक्वेशंस आपकी बनेगी, आर में एक द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। और अगर ये इसकी जनक रेखाएं हैं तो फिर क्या होना चाहिए, ए बी सी जीरो होने चाहिए। तो जो आर में द्विघात समीकरण बनेगा तो आर स्क्वेयर के साथ जो टर्म है वो, आर के साथ जो टर्म है वो, और कॉन्स्टेंट जो टर्म है वो, तीनों को इक्वल टू जीरो रखना है। वहां से सोल्व करके एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां रखेंगे तो वहां से जनरेटिंग लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। तो करना चाहो तो ये तरीका आप अपना सकते हो, ये भी ठीक है, ऐसे जनरेटिंग लाइन फाइंड आउट करने का है भाई, आपको एक लाइन दे दी, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट की तो दिक्कत आएगी, तो एलिमेंट इसमें अल्फा प्लस एल आर ये इस टाइप से होगी, उठा के इसमें रखोगे वहां से अपने पास क्या होगा, आर में द्विघात समीकरण आएगा इस तरह का, कहां था ये, ठीक है। इसमें ये जो टर्म्स आएंगी इनको जीरो रख देना इक्वल्स टू में, तो यहाँ से एल एम एन में बन जाएगा, इन तीनों को सोल्व करके एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो यहाँ पे वापस रख देना तो जनरेटिंग लाइन्स आ जाएंगी,
बात खत्म। सेकंड, इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे, जो तरीका मैंने बताया था आपको, और आगे के कई क्वेश्चन उस तरीके से हैं भी, और हमें ऐसे ही करने हैं। ये थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को बताया था, दोनों तरीके मैंने उसको उनको सोल्व करवाए थे, तो उन्होंने कहा कि सर ये सेकंड ज़्यादा अच्छा है तो यही कर लेते हैं हम, दोनों क्यों करने हैं। ठीक है, एक ही करेंगे तो एक ही माइंड में रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है, कन्फ्यूज होने का काम नहीं रहेगा। ये देखो आपके पास ये दे दिया, एक्स स्क्वेयर बाई फोर प्लस वाई स्क्वेयर बाई नाइन माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, और पॉइंट दे दिया 2, 3, -4, 2, 3, -4। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है एज इट इज है, बस पॉइंट वहां पर 2, -1 और 4/3 है, 2, -1 और 4/3, सेंट्रल कोनिकॉइड यही है, या अब ये सेंट्रल कोनिकॉइड थोड़ी, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। ठीक है, क्या बताया था, यही तो आपको था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बाई टू, या इसको अभी तो ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वेयर बाई फोर और माइनस जेड स्क्वेयर बाई 16 इक्वल्स टू 1 - y² / 9। ठीक है, ये बताया था, अलग अलग तोड़ दो, एक्स बाई टू माइनस जेड बाई फोर, एक्स बाई टू प्लस जेड बाई फोर, ए का स्क्वेयर एक्स माइनस वाई, वाई सॉरी एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा, 1 - y/3। अब ये चीज़ ध्यान रख लेना, कई बार अगर वाई बाई नाइन लिख दो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहाँ पे ये भी स्क्वेयर में होना चाहिए ना, तभी तो पूरा स्क्वेयर बनाओगे। ठीक है, वाई माइनस थ्री और 1 + y/3। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा वापस लिखने के बाद एक बार सोल्व करके देख लेना, ये एक्स माइनस वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वेयर माइनस, ठीक है, वाई स्क्वेयर तो वाई का स्क्वेयर और 3 का स्क्वेयर 9। अगर आपने 9 लिखा होगा तो 81 हो जाएगा, तो वहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर दो सिस्टम, अब मैंने मान लो ये फिक्स कर दिया, तो ये इससे कनेक्ट हो सकता है या फिर ये इससे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, मैंने जो फिक्स किया वो ये किया है कि 1 - y/3, 1 - y/3, और इस तरफ मैंने फिक्स कर दिया x/2 - z/4, ये इसका लैम्डा टाइम्स है। इस चीज में कोई दिक्कत, ठीक है, ये इसका लैम्डा टाइम्स है, इस चीज में कोई दिक्कत। अगर ये इसका लैम्डा टाइम्स यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया, तो फिर दूसरा जो बचा वो इसका 1 by λ हो जाएगा, तो इसी के साथ दूसरा क्या आ जाएगा अपने पास, x/2 + z/4 और 1 by λ = ये आ जाएगा 1 + y/3। ठीक है, एक सिस्टम तो ये हो गया, दूसरा सिस्टम मैं इधर लिख देता हूं, दूसरा सिस्टम बताओ क्या हो जाएगा। पहले में मैंने क्या किया, इसको इससे कनेक्ट किया था ना, माइनस को माइनस वाले से, हाँ, तो अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसको इससे कनेक्ट कर, इधर तो ये फिक्स रखना है। ठीक है, अगर आपने फिक्स नहीं रखा तो वहां पे सेम ही बना दोगे सिस्टम, फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, तो ये हो गया x/2 + z/4, ये मान लेते हैं म्यू टाइम्स है 1 - y/3 का। अगर ये इसका म्यू टाइम्स है तो फिर ये वाला इसका 1 by μ होगा, तो x/2 - z/4 1/μ 1 + y/3, 1 + y/3। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, इनको लिख लेना अलग अलग, जैसे मतलब अभी तो रफली नोट कर लो साथ साथ थोड़ा सा, और फिर बाद में इसको जो क्वेश्चन, मतलब मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, बीच की जो लाइंस है कि यह सेकेंडर सांगवज है, फिर यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया यहाँ से, मतलब ये वो चीज़ें आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठाना, उस एग्जाम्पल्स में जैसे जैसे लाइंस लिखी हुई वैसे लिख सकते हो आप। ठीक है, और वो लिखना भी है, ये नहीं है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी, ये तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। ये हो गया, अब पॉइंट क्या दिया हुआ आपको, पॉइंट दिया हुआ 2, 3 - 4, 2, 3 - 4 से बताओ यहां पर क्या बनेगा मेरे पास। ठीक है, नोट कर लिया, 2, 3 - 4 जब मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास बताओ क्या बनेगा, यहां 2 रखा मैंने, 2 by 2 1 - जेड जेड -4 रखा तो -4/4, 4 से 4 कैंसिल, -, प्लस तो +1, ये बन गया इक्वल्स टू लैम्डा, और यहां पर 1 - 3 रखा तो 3/3, तो 1 - 1
ये तो जीरो बन गया, ये बनेगा जीरो। ठीक है, यहां पे रखा देखो एक बार, एक्स बाई टू थी वन प्लस ये जेड की वैल्यू माइनस फोर रखी तो माइनस वन इक्वल्स टू और वन बाय लैम्डा और ये हो गया वन प्लस वन ये, क्योंकि वाई थ्री तो है तो वाई थ्री बाई थ्री ये वन टू। ठीक है, तो यहां पे जीरो, तो वन बाई लैम्डा इधर जो भी वैल्यू इसको भी जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर जीरो ही यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, या मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, इंटरचेंज करूँगा तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। एक सेकेंड, हमने कुछ उल्टा लिख दिया शायद, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, लैम्डा की वैल्यू जीरो आ जाएगी ना। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जीरो आ जाएगी। म्यू की वैल्यू यहां पे चेक करो एक बार, म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू की वैल्यू यहां पे एक्स टू थ्री माइनस फोर है ना, तो टू बाई टू वन माइनस फोर तो माइनस वन, म्यू वन माइनस वाई की जगह थ्री तो माइनस वन, ये भी जीरो आ रही है। एक सेकेंड, हमने दोनों तो जीरो नहीं आनी चाहिए, सिस्टम दोबारा लिख के देख लेते हैं। देखो मैंने ये फिक्स कर लिया इधर, ये फिक्स कर लिया, फिक्स करके इसके साथ एक बार ये लिया, तो यहीं से लिख लेते हैं पहले, तो एक्स बाई टू दोनों प्लस प्लस वाले फिक्स कर लिए, जेड बाई फोर ये लैम्डा टाइम है वन प्लस वाई बाई थ्री के, वन प्लस वाई बाई थ्री के, तो अगर ये इसका लैम्डा टाइम है तो ये इसका वन बाई लैम्डा होना चाहिए, तो ये मैं ले लूंगा एक्स बाई टू माइनस जेड बाई फोर और हो जाएगा वन बाई लैम्डा वन माइनस वाई बाई थ्री की। ठीक है, तो ये तो लैम्डा सिस्टम हो गया। म्यू सिस्टम, फिर इसमें अगर लैम्डा मान लिया तो फिर इसमें म्यू मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस जेड बाई फोर इक्वल्स टू म्यू टाइम्स वन प्लस वाई बाई थ्री, और अगर ये म्यू है तो ये दोनों वन अपॉन म्यू होना चाहिए, तो एक्स बाई टू प्लस जेड बाई फोर वन बाई म्यू वन माइनस वाई बाई थ्री। ठीक है, हो सकता है कुछ गलत लिख दे हो, एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर टू थ्री माइनस फोर रखना है तो टू रखेंगे तो ये हो गया वन, यहाँ पे माइनस फोर रखेंगे तो माइनस वन इक्वल्स टू लैम्डा, वन प्लस थ्री रखेंगे तो वन टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये तो लैम्डा इक्वल टू जीरो आ रहा है, यहाँ भी रख के देख लो, चाहे यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो लैम्डा की वैल्यू तो चाहिए, जीरो आ गया। यहाँ रखो इसमें, इसमें रखोगे तो टू अपॉन टू एक्स, टू थ्री माइनस फोर है तो वन माइनस, और ये जेड, जेड क्या है माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस वन इक्वल्स टू म्यू और वन प्लस वाई की वैल्यू थ्री, तो थ्री अपॉन थ्री वन टू, ये टू आ रहा है ना, हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही थी उसमें। ठीक है, तो टू अपॉन टू आ जाएगा, यानी म्यू की वैल्यू आ गई अपने पास वन, म्यू की वैल्यू वन। ठीक है, अब ठीक है, वहाँ हो सकता है कुछ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली हो, तो ऐसे लिख लेना, यहाँ से जब वैल्यूज रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू जीरो, म्यू की वैल्यू अपने पास वन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो लैम्डा, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ, ये मैंने मिटा दिया ऊपर वाला, ये तो पॉइंट है आपका। ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, तो बताओ यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जीरो में रखूंगा, यहाँ से इक्वेशन ये नहीं बढ़ जाएगी कि एक्स बाई टू प्लस जेड बाई फोर इक्वल्स टू जीरो, और इसमें जब रखूंगा तो यहाँ जीरो है लैम्डा को, इसको इधर लेके जाऊंगा ये जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस वाई बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मतलब ये एक ही सिस्टम है पूरा, ये चीज भी ध्यान रखना, ये एक ही सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम से अपने पास एक जनरेटिंग लाइन आएगी और इस पूरे सिस्टम से एक जनरेटिंग लाइन आएगी। ठीक है, एक लैम्डा वाला एक म्यू वाला,
इसको सोल्व करोगे तो इसको एलसीएम लेके तो ये 2x प्लस जेड इक्वल टू जीरो, फोर एलसीएम लेके फोर को इधर लेके गए, यहां पे ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू जीरो, भाई एलसीएम 3 लेके 3 माइनस वाई, या फिर ऐसे कहें y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, एक प्लेन ही आ गया, एक प्लेन ही आ गया अपने पास। कोई दिक्कत, कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस में ऐसे करना अपने को, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या थी, 1 आई थी, 1 रखूंगा तो क्या आएगी, x बाई टू माइनस जेड बाई फोर इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस वाई बाई 3, तो यहां से प्लेन का इक्वेशन बताओ क्या बन जाएगा, मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूं यहां पे 4, तो ये हो जाएगा 2x माइनस जेड अपॉन 4, और ये हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, इधर मल्टीप्लाई, तो 6x यहां से 4y इधर लेके आए माइनस 4y, यहां से माइनस 3z, और यहां से इक्वल्स टू 12, सोल्व करके देख लेना। वो तो एक लाइन, एक प्लेन का इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इससे बनाएंगे, इससे बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ, x बाई टू प्लस जेड बाई फोर, तो इसको 2x प्लस जेड बाई फोर लिख दे, एक ही बात है, और 1 अपॉन म्यू, तो 1 तो ये 1 ही है, तो 1 अपॉन 1, तो ये हो गया, दूसरी तरफ बन जाएगा 3 माइनस वाई बाई 3, यही बनेगा। यहां से बताओ क्या आ जाएगा, 6x माइनस 4y, तो इधर लेके प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 12, एक प्लेन ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, दो प्लेन आ गए, और दो प्लेन से अपने पास क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, ठीक है, और वो क्या होगी, एक जनरेटिंग लाइन हो जाएगी। तो एक जनरेटिंग लाइन यहां से आएगी, एक जनरेटिंग लाइन यहां से आएगी। अब वो जनरेटिंग लाइन क्या होगी वो भी बता देते हैं। एक लाइन होगी जो इस पॉइंट से पास हो रही है, यही तो दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन तो ये होगी सर, x माइनस टू वाई माइनस थ्री और जेड प्लस फोर अपॉन एलिमेंट कुछ आएंगे। अब एलिमेंट कहां से निकालेंगे, इस प्लेन से, और प्लेन से एलिमेंट निकालने का मैंने आपको एक बार पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, तो किस तरह से किया था, ये 2x प्लस y क्या है 0, z 1 है, तो z इक्वल टू 0, ये है प्लेन का इक्वेशन। दूसरा क्या है, 0x प्लस y प्लस 0z इक्वल टू 0, यही है, सॉरी इक्वल टू 3, ये है आपके पास, ठीक है। यहां से कैसे बनेगा बताओ, एलिमेंट x के लिए, l के लिए, तो इसको दबाएंगे यहां से, तो आ जाएगा 0 माइनस 1, इसमें ये दबाएंगे 0 माइनस 0, तो ये 0, इसमें ये दबाएंगे तो ये 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो एक लाइन तो ये आ जाएगी। अब आपकी बुक में जो दूसरे मेथड से निकाला हुआ है उसमें देखो यही है क्या, माइनस साइन होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 0 माइनस टू लिखा हुआ होगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस कॉमन आ जाएगा ना, रेशियो ही तो है, रेशियो में माइनस कॉमन ले लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई इस तरफ आप r लिखते हो ना, तो r मान लो 2 है, तो उसको माइनस टू कर दो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, वो तो रेशियो है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। 1 0 माइनस टू होगा आपकी बुक में, तो वो सेम ही बात है, एक ही बात है, ठीक है, ये निकाल के आ जाओगे, ये भी सही है, ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई में और 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कोई रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में जैसे अभी एक और जो नेक्स्ट अभी ये लाइन निकालेंगे उसमें मैं बताऊंगा, देखो तो ये ऐसे कर लेंगे, एक लाइन तो ये आ गई। सिमिलरली दूसरी लाइन बताओ कहाँ से आएगी, दूसरी लाइन ये है अपने पास, क्या है, 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 12, और 6x माइनस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 12, यही है क्या, ठीक है। यहां से लाइन मुझे लिखनी है जो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो इस पॉइंट से पास होने वाली सर लाइन तो ये हो गई जेड माइनस 14। एलिमेंट चाहिए, अब एलिमेंट के लिए इसको दबाया, ये बताओ क्या आ जाएगी, 12 और ये माइनस 12, लेकिन इसमें से ये घटता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 सॉरी माइनस 12 प्लस 12, तो ये तो 0, ठीक है, इसको दबाया, तो अब ये ऐसे होता है 18, मतलब क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है, तो आप नॉर्मली तो क्या करते हो, जैसे ये है ना एक्स वाई जेड, ये जो भी है इसमें से ये माइनस करते हो नॉर्मली तो, लेकिन सेकंड टाइम पे क्या करते हो आप, इसमें से ये माइनस करते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो बाहर माइनस साइन लगा के और फिर इसमें से ये माइनस कर दो, बात वही, ठीक है, ये खूब किया आपने 11 12th में ये सारी चीज़ें, इसको दबाया तो 18 और ये माइनस माइनस प्लस 18, तो ये 36 हो जाएगा,
18+18, ठीक है। थर्ड में इसको दबाया तो ये हो जाएगा -24, और -6 -6 तो ये -48, 24 24, दोनों माइनस के, ठीक है। अब आपके में कुछ दिया होगा, ये यहाँ पर 3 होगा, 12 3 36, 12 4 48, 3 4, -4, ठीक है। ये भी नहीं दिया होगा तो -3 और 4 दिया होगा, ठीक है। तो एक ही बात है, वो सारे जो भी हैं इसको 3 इसमें से 12। इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, x -2 अपॉन 0, y -3 अपॉन 36। तो 36 को मैं लिख, एक सेकेंड, ये +14, ये 14 नहीं है, ये +4 है, ठीक है। ये चीज़ अच्छा, 36 तो 12 कॉमन लेंगे तो ये अपने पास 3 हो जाएगा, और z +4 और -44 है ना, तो 12 कॉमन लेंगे तो -4, ठीक है। या हो सकता है आपकी बुक में 0 -3 और 4 दिया हो, एक ही बात है, वो तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो जनरेटिंग लाइन्स आपके पास हो जाएंगी, क्या है इसमें, एक्स -2 अपॉन 1, 0 -2, 1 0 -2, ठीक है, और दूसरा 0 3 -4, 0 3 -4, 0 3 -4, यही आ गया अपने पास, सेम ही आ गया, है ना। तो ये आप मतलब जो बुक में निकाला हुआ उससे भी निकाल सकते हो, और ऐसे भी, और सारे क्वेश्चन हमको ऐसे ही करने हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है, सोल्व करोगे तो। काफ़ी लंबी क्लास हो गई ये, मैंने इसलिए आराम से एक एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन करवा दिया एज इट इज, ताकि यूट्यूब पर डालें तो कोई और बच्चे भी जो पढ़े उनको मतलब क्वेश्चंस करने पड़े तो वहाँ से वो कर लें, ठीक है। बाकी और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ से मतलब और जो क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम आए तो वो मेरे को बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो नहीं होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने करवा ही दिया, एग्जाम्पल टू में ऐसा ही है सेम, ठीक है। एग्जाम्पल में, और इसको तो सोल्व भी इसी तरीके से कर रखा है लैम्डा म्यू वाले सिस्टम से। एग्जाम्पल थ्री में भी सेम आपके पास, जो सेंट्रल कोनिकोइड तो यही है, -z² / c² = 1 वाला, बस पॉइंट यहाँ पे चेंज कर दिए, पॉइंट है ए अल्फा, ए कोस अल्फा, बी साइन अल्फा और 0, ठीक है। तो इस 2 3 इसकी जगह ये दे दिया, ए कोस अल्फा, बी साइन अल्फा और 0, तो फर्क कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने पास उटपटांग हो जाएगी भाई। अगर नंबर होते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। इसने ए कोस अल्फा बी साइन अल्फा वो दे दिए, तो कोई फर्क नहीं है, चीज वही है अपने पास। और दो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई अपने पास आया हुआ है बार बार, तो इनको एक बार सोल्व करके देखना है। फिर नेक्स्ट में हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की जनरेटिंग लाइन है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 5 प्रॉपर्टी है, उनमें से एक प्रॉपर्टी आपके पास एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ली जाती है हर साल, ठीक है। एक प्रॉपर्टी दे देता है, एक यहाँ से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। यानी पूरा क्वेश्चन इन दो एक्सरसाइज से, दो ये जनरेटिंग लाइन ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो प्रॉपर्टीज के बाद तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन इसमें है नहीं ज़्यादा, मेन वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी और जो है एक दो एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन होंगे तो वो तो हम कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है जनरेटिंग लाइन का कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, ठीक है। एक चीज और, यहां पर कई बार ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर लैम्डा और म्यू अपने पास सेम हो सकते हैं, एक छोटा सा कंफ्यूजन और आ जाता है इसमें, इसी चीज में, कि लैम्डा और म्यू की दो अलग अलग कैसे कह रहे हैं हम, हो सकता है कि ये दोनों रेशियो सेम हो जाए, ठीक है। तो यही तो बना था अपने पास, x² / a² + y² / b² -z² / c² = 1, इसको हमने लिखा था xa - z / c, या प्लस लिख लो xa - z / c, और दूसरी तरफ 1 - y / b और 1 - y / b, ठीक है। ये लिखा था आपने, इसमें से लिखा था कि xa + z / c = λ1 + yb, तो फिर दूसरा जो बचा वो हो जाएगा आपके पास 1 / λ 1 - y / b, ठीक है। एक तो या तो ये सिस्टम होगा, या फिर x/a - z / c किसका है, म्यू टाइम्स है 1 + y / b के, तो फिर दूसरा ये बच गया x/a + z / c = 1 / μ / 1 - y / b के,
ठीक है, ये अपने पास दो सिस्टम थे, या तो ये होगा ये होगा। अब डाउट ये आ सकता है कि सर मान लो लैम्डा और म्यू दोनों बराबर हुए तो फिर दो लाइन कहाँ मिलेंगी, दो सिस्टम कहाँ हुए, फिर वो तो सिस्टम एक ही हो गया। तो ये जो लैम्डा और म्यू जो पैरामीटर है वो सेम नहीं होंगे अपने पास, ठीक है। सेम क्यों नहीं होंगे कि मान लो लैम्डा और म्यू सेम है, मान लेते हैं लैम्डा और म्यू सेम है, तो इन दोनों एक्सरसाइज से, इन दोनों से बताओ क्या बन जाएगा अपने पास, ये नहीं बन जाएगा कि एक्स बाई ए प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू एक्स बाई ए माइनस जेड बाई सी। बताओ क्यों भाई, अगर लैम्डा और म्यू सेम है तो ये तो सेम ऑलरेडी है ही, तो मतलब ये दोनों तरफ ये क्वांटिटी सेम हो गई, और अगर ये क्वांटिटी सेम हो गई तो फिर ये क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, तो ये जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, ये तो कैंसिल, ये इधर लाके तो टू जेड अपॉन टू सी इक्वल्स टू जीरो, यानी जेड अपॉन सी वाला जीरो। तो अगर यही हट गया तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सी टी कहां बचा, फिर माइनस साइन वाला हट गया तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सी टी बचा ही नहीं, फिर ये बात ही खत्म हो गई इतनी सारी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग ही आएंगे, सेम नहीं आएंगे अपने पास। ठीक है, अगर आप इनको सेम मान लेते हो तो कोई ना कोई कंडीशन वहां पर क्या करेगी, फिर प्रॉब्लम करेगी अपने, ठीक है। या मान लो इस इन दोनों से मान लो कि अगर लैम्डा और म्यू सेम है तो वन अपॉन लैम्डा वन अपॉन म्यू भी सेम हुए, ये सेम हुए तो ये पूरी क्वांटिटी तो सेम ही, राइट साइड ये सेम हो गई, तो ये अपने पास एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी, बात तो वही आई, ये बराबर हो गए, और ये बराबर हो गए तो ये इधर लेके आइए तो माइनस, ये अपने पास प्लस, तो टू जेड अपॉन टू सी या टू जेड अपॉन सी, या फिर ऐसे कहें जेड अपॉन सी इक्वल्स टू जीरो, और ये पार्ट अगर जीरो हो गया तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट अपने पास जो है बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, जो लैम्डा और म्यू जो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं वो अपने पास अलग अलग होंगे। पैरामीटर बोलते हैं हम इनको, प्रांचाल या शायद हिंदी में कुछ प्राचाल या जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास इसमें रहेगा, ठीक है। तो एक लैम्डा सिस्टम मिलेगा एक पैरामीटर से, तो और दूसरे पैरामीटर से अपने पास म्यू सिस्टम मिलेगा, और जो लैम्डा वाला एक जो पैरामीटर मिलेगा उससे एक पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगी या लाइंस मिलेगी, जिससे वो पूरा का पूरा कर्व एक साइड का जनरेट होगा, दूसरे वाले से दूसरा अपना सिस्टम है वो जनरेट होगा, और पूरा का पूरा हाइपरबोलॉइड वहां से अपने पास जनरेट हो जाएगा, ये वाला जो भी था, ठीक है। इसकी जनरेटिंग लाइन्स की हम बात कर रहे थे, ये अपने पास, ठीक है। सेकेंड वाले में वो दूसरी तरफ से उधर की साइड से घूमते हुए आएंगे, ऐसे अपने पास लाइंस, ठीक है, यहाँ तक नहीं आएंगी, वो पीछे की साइड घूम रही है तो इस पॉइंट तक ही जाएंगी, ठीक है। ऐसे इस तरह से अपने पास जो है पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स, यहाँ पर ये दो पैरामीटर, एक तो ये इस सिस्टम के लिए चाहिए जो ऐसे पैरेलल लाइंस है, लैम्डा सिस्टम जिसको बोलते हैं, और एक इसके लिए चाहिए जो ये म्यू सिस्टम, ठीक है। कोई भी लैम्डा म्यू मान लो, एक ही बात हो, तो ये रहेगा इसमें हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट में, तो दो जनरेटिंग लाइन, ये इस तरह का नहीं होता अपने पास, वो मुड्डा होता है जिसपे बैठते हैं, ठीक है। मुड्डा होता है तो उसमें ये तो होती है ऐसे लकड़ी लगी रहती है इस तरह से एक तरफ तो, और दूसरी इससे कुछ बांध के, उससे धागे से, वो जो मतलब रस्सी से बांध के, और इस तरह से लगी हुई रहती है, ठीक है, मुड्डा बन जाता है अपने पास, ठीक है। तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का ही एग्जाम्पल है मुड्डा जो अपने पास होता है, और उसमें देखना अपने पास दो ही होती है ये लाइन, एक ये जो लकड़ी है वो रेखी है, ठीक है, बाकी तो उनके पैरेलल ही होती है, कोई भी दो पकड़ लो तो वो एक उस तरह की, एक तरह की उसकी जनरेटिंग लाइन सी है। आपने दो कोई भी पकड़ ली, ठीक है, आपने दो कोई भी लाइन पकड़ ली उस मुड्डे में से, और बाकी उनके पैरेलल करते गए इस तरफ और इस तरफ ही है, ठीक है। तो पूरा का पूरा मुड्डा वहां पर जनरेट हो जाएगा अपने पास, बन जाएगा, ठीक है। तो वो अपने पास, अब ये हो सकता है कि आपने ये जो लाइन पकड़ी वो मान लो ज़्यादा ऐसे एंगल ज़्यादा कर लिया या कम कर लिया, तो मुड्डा फिर थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा वहीं की वहीं, आपने मान लो एंगल कम रखा बिल्कुल ऐसे, तो फिर मुड्डा ऐसे हो जाएगा लंबा, ठीक है। ये इस तरह से अपने पास, और ये इस तरह से जो भी, तो वो थोड़ा सा उसमें कोई वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, इतने कोई बच्चे हो नहीं, ठीक है। ये पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स, ये सारी चीज़ें तो हालांकि एमएससी में आएंगे अपने पास, बट जो अपने को पढ़ने की चीज़ थी वो जनरेटिंग लाइन थी, जो जनरेट कर सके किसी रूल्ड सरफेस को, उसको हम जनरेटिंग लाइंस बोलेंगे। सबसे पहले हमने रूल्ड सरफेस पढ़ा कि
कि कोई आपके पास जो है सरफेस है जो एक लाइन से मूविंग लाइन से जनरेट हो रहा है, उसको हम रूल्ड सरफेस बोलेंगे। उस मूविंग लाइन को, उस रूल्ड सरफेस की जनरेटिंग लाइन बोलेंगे। उस जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है वो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में वही है। ठीक है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट आपको दिया हुआ होगा, एक पॉइंट दिया हुआ होगा। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट से की जनरेटिंग लाइन आपको फाइंड आउट करनी है जो उस पॉइंट से पास हो रही हो। ठीक है, तो लाइन तो आप पहले फाइंड आउट कर लोगे जब वो दो इक्वेशंस बनेंगी, तो प्लेन में दो इक्वेशन बनेंगे, दो प्लेन बनेंगे। दो प्लेन का मतलब है कि एक लाइन वहां पर बन रही है, एक साथ लिख रहे हैं तो लाइन तो बन गई। बट आपको क्या है, उस लाइन को उस पॉइंट से भी पास करवाना है, तो वो पॉइंट उठा के उस लाइन में रख देना वहां पर। ठीक है, वहां से अपने पास जो भी लाइन है वो आ जाएगी। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, इस तरह से आपको क्वेश्चंस उनको करने हैं। और कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में, कोई दिक्कत? जनरेटिंग लाइन हो जाएगा आराम से, अच्छे से। हाँ, तो होना भी चाहिए, कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि तो इतना कुछ इसमें बचा नहीं है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये मतलब किसी को नोट्स वगैरह इसके बनाने हैं तो अपने वो वेबसाइट से देख लेना, या फिर ये वीडियो तो यूट्यूब पर भी डाल देंगे आज ही, तो यूट्यूब से देख लेना, देखना होता है ना, इच्छा है वो तो। यूट्यूब से तो वैसे क्या देखोगे, वो तो आपके लिए, तो आप तो वेबसाइट से देख लेना, यूट्यूब पे तो फिर ऐड वगैरह आ जाते हैं ना थोड़े। ठीक है, तो उसमें देख लेना।